वाराणसी को प्रधानमंत्री बड़ उपहार अधिक सुंदर सुगम वाराणसी प्रस्तुति श्वेत क्रांतिर विकास को मिलिब अधिक शक्ति गोपालन क्षेत्र को प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार 27 विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर लोकार्पण करिसेंती। एसबु प्रकल्पर निर्माण में 2100 कोटी टंका व्यय होइछि। सेति मध्यरे 870 कोटी टंकार 22 प्रकल्प रही। विशेष भाव में दुग्ध उत्पादक सम्पायन यूनियन लिमिटेड प्लांटर शुभारंभ करी प्रधानमंत्री यह गोपालन क्षेत्र में बहु मात्रा सहायक हो पार्टी। वाराणसी डेयरी सेक्टर को उन्नत करने सहित छोट कृषक मानक रोजगार क्षमता बढ़ाइबारे यह सहायक हो पारिबो। कि देश का डेयरी सेक्टर पशुपालन श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस विश्वास के कई कारण भी है। पहला ये कि पशुपालन देश के छोटे किसान जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। तीसरा ये कि पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। और चौथा ये कि जो हमारा पशुधन है वो बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। गुरुवार कृषक दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री कृषक मानंको प्राकृतिक उपाय रे चाष करबा को परामर्श दैछंती। नेचुरल फार्मिंग वर्तमान समय रा आवश्यकता। यह कृषक मानंको सह चाष प्रणाली को मध्य सहज और सुविधाजनक करि परिबो। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है। प्रधानमंत्री शिलान्यास करितिबा विभिन्न प्रकल्प मध्य बनारस काशी कॉम्प्लेक्स, मोहन सराय दीनदयाल चिकित्सा मार्ग, वाराणसी पैदेही गोपीगंज मार्ग, रामनगर बायोगैस पावर उत्पादन केंद्र, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज आदि विशेष गुरुत्वपूर्ण। यह स्वामित्व योजनार उद्घाटन करी 20 लाख लाभार्थी को मोबाइल माध्यम रे जमी पट्टा प्रमाण प्रदान करिसेंती। एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य माने उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।